Assalamu alaikum and welcome back to ionlineteach.com. जैसे कि हम WordPress के कोर्स को आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट करने जा रहे हैं और कंप्लीट के साथ साथ जो हमारे स्टेप्स आते जाएंगे उसको हम डिस्कस करते जाएंगे. तो जैसे कि अभी आपने WordPress इंस्टॉलेशन करना सीखा है, डोमेन ईमेल एड्रेस बनाना सीख ली है, उस पर फॉरवर्डिंग लगाना आपने सीख लिया है, तो अभी हम जो है WordPress के ऊपर काम करना स्टार्ट करेंगे. तो वर्डप्रेस के ऊपर जब आप काम करते हैं तो वर्डप्रेस के लिए सबसे पहले तो आप ऑफकोर्स जो है न्यू पेज पे अपनी डोमेन जो आपने परचेज की हुई है या जो आपकी वेबसाइट है उसको ओपन करेंगे. उसको ओपन करने के साथ साथ आप ये देख रहे होंगे जब ये ओपन होती है तो हमारे पास वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स पेज शो करता है उसमें हमारे पास एक साइड बार शो हो रहा है, इसको साइड बार कहते हैं. इसके ऊपर टॉप पर एक मेन्यू होता है जिसको हम नेविगेशनल मेन्यू बार भी कहते हैं या नेविगेशन बार भी कहते हैं. और ये जो सेंट्रल बॉडी में आपको टेक्स्ट शो हो रहा है हेलो वर्ल्ड और वेलकम टू वर्डप्रेस दिस योर फर्स्ट पोर्ट, ये आपकी बेसिकली जो है कंटेंट होता है बॉडी के अंदर. तो ये तो हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड हो गया. बैक एंड पे जो हमने वर्डप्रेस इसके पीछे वर्किंग कर रहा है जो उसमें हम मजीद काम करेंगे वो हमारा बैक एंड है. तो बैक एंड पे जाने के लिए जब भी आपने वर्डप्रेस को एक्सेस करना होगा तो आप अपनी डोमेन नेम लिखेंगे कंप्लीट एंड देन फॉरवर्ड स्लैश wp/admin आप लिख कर और इसको लॉगिन करेंगे. लॉगिन जब करेंगे तो आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगेगा, वो आपने टाइप करना होगा और देन आपने इसको लॉगिन कर देना है. जब लॉगिन होकर बाय डिफॉल्ट जो विंडो आपको दिखाई दे रही है सामने, ये बेसिकली वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है. तो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड हम अल्हम्दुलिल्लाह एंटर हो चुके हैं इसमें. अब आपको इसमें जो है डिफरेंट चीज़ों के बारे में मैं बताऊंगा, एक ओवरव्यू दूंगा. सबसे पहले तो आप देख रहे होंगे आपको जो है ये एक वेलकम टू वर्डप्रेस की विंडो दिखाई दे रही है. ये बेसिकली एक वेलकम विंडो है, इसमें आपको ये बता रहा है कि आप फुली इस वेबसाइट को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. इसमें मेन्यूज विजेट्स को आप जो हैं वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं, आप अपनी पोस्ट अपलोड कर सकते हैं, आप अपना अबाउट अस का या अबाउट मी का पेज पर डेवलप कर सकते हैं, आप अपनी वेबसाइट को यहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं. फ्रंट एंड जो उसका है भी मैंने आपको बताया भी था फ्रंट एंड किसे कहते हैं. और आपको एट ए ग्लांस में ये भी बताया जा रहा है कि आप जो है आपकी वेबसाइट पर इस वक्त एक पोस्ट अपलोड हो चुकी है, एक कमेंट अपलोड हो चुकी है, एक पेज अपलोड हो चुका है, क्रिएट यानी हो चुका है. और साथ ही साथ आपको एक्टिविटी सेक्शन में बताया जा रहा है कि आपकी वेबसाइट पे अब तक क्या एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं. बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं ये सारी चीज़ें आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलती हैं. तो रिसेंट पब्लिश में आपको ये भी बता रहा है कि आपकी रिसेंट जो है हेलो वर्ल्ड के नेम से पेज जो है वो पब्लिश हुआ है, कमेंट जो रिसेंटली पब्लिश हुई है वो बता रहा है. अच्छा, आप जो है फिर क्विक ड्रॉप एक बहुत अच्छी ऑप्शन है. इसमें डैशबोर्ड पर रहते हुए आपके जहन में कोई पोस्ट या पेज आपने बनाना है और आप चाह रहे हैं उसको मैं क्विकली सेव करूँ एज ए ड्रॉप, तो आप इधर उसका टाइटल लिख के डिस्क्रिप्शन थोड़ी बहुत लिख के और उसको आप सेव ड्रॉप कर सकते हैं. वर्डप्रेस से रिलेटेड जो डेली या वीकली या बाई वीकली जो न्यूज़ आती हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देती हैं जब भी आप इसको डैशबोर्ड को एक्सेस करते हैं. ये तो हो गया हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड का ओवरव्यू. इसके बाद अपडेट सेक्शन में जब आप जाते हैं तो अपडेट सेक्शन में बेसिकली वो तमाम आपको अपडेट्स ये शो करता है जो कि वर्डप्रेस की जानिब से अपडेट्स आपको आती रहती हैं. जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसका कोई नया वर्जन रिलीज़ होता है तो उसके बारे में आपसे ये कहेगा आपने वर्डप्रेस वर्जन को अपडेट करें, या हम इसमें प्लगइन्स या थीम्स अगर जो इंस्टॉल करते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक उनमें कोई अपडेट्स आती हैं वो तमाम यहाँ अपडेट्स शो हो रही होती हैं. तो आपकी सिलेक्शन के ऊपर तमाम ये अपडेट जो हैं ये अपडेट होना स्टार्ट हो जाती हैं. वो सारा कुछ एक्टिविटी जो है वो यहीं पर परफॉर्म होती है. इसी तरह ये जो पोस्ट की मेन्यू है, ये पोस्ट की जो बेसिकली मेन्यू है, पोस्ट आप जो अपने कंटेंट्स क्रिएट करते हैं वो तमाम के तमाम कंटेंट्स आपके यहाँ पोस्ट के सेक्शन में शो हो रहा होता है. आपने अपने पोस्ट को देखना है तो ऑल पोस्ट पे क्लिक करेंगे. आपने अगर अपनी कोई न्यू पोस्ट क्रिएट करनी है तो ऐड न्यू पे आप उसको क्रिएट कर सकते हैं. और अगर आपने जो है अपनी कैटेगरीज एंड टैग्स बनाने हैं
डेफिनेटली जब आप कोर्स क्रिएट करते हैं तो वो उसको कोई ना कोई कैटेगरी भी आप असाइन करते हैं। ये फर्दर आपको लेक्चर्स में बताया जाएगा कि किस तरह इस पर वर्किंग की जाती है। ये तमाम टैग्स, कैटेगरीज, पोस्ट, इसका अपना एक लेक्चर है, उसमें आपको बताया जाएगा। अभी आपको जस्ट ओवरव्यू दिया जा रहा है। और मीडिया के सेक्शन में मीडिया एक ऐसी लाइब्रेरी होती है जिसमें आपकी वीडियोस, आपकी इमेजेस, आपकी टेक्स्ट फाइल्स और या डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड जैसे PDF, वर्ड, एक्सेल, RTF, HTML, इस तरह की जो फाइल्स हैं वो बाय डिफॉल्ट मीडिया की लाइब्रेरी में सेव हो रही होती हैं। और पेजेस में जो है आपके पेजेस बनते हैं, उन पेजेस के अंदर फिर आप पोस्ट को अपलोड करते हैं। तो पेजेस भी एक कंप्लीट लेक्चर है, इस पर भी आपको फर्दर इंशाल्लाह बताया जाएगा। कमेंट, जो आपकी कमेंट्स लोग आपको करते हैं आपकी पोस्ट पर, आपके कॉन्टेंट पर या आपके ब्लॉग में, आपकी वेबसाइट में, वो तमाम कमेंट्स यहाँ शो हो रही होती हैं। उनको आप अप्रूव, डिसअप्रूव या सेव एज ड्राफ्ट भी कर सकते हैं। अपीयरेंसेस में आप अपने थीम्स की कंट्रोलिंग कर सकते हैं, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। विजेट सेट उसमें किस तरह करते हैं, आपके साइड बार्स कैसे क्रिएट होते हैं वेबसाइट के, आपकी मेन्यूज कैसे क्रिएट होती हैं वेबसाइट पे, आपके हेडर में जो है वर्किंग कैसे मेन्यूज को करनी है हमने, वो हम इसमें करेंगे। बैकग्राउंड एडिटर, ये सब हम फर्दर पढ़ेंगे। लेकिन ये सारा कुछ जो है अपीयरेंस के अंडर कंट्रोल होता है। फिर प्लगइन्स, जो आप अपनी वेबसाइट को जो है मज़ीद एज पर स्पेसिफिकेशन, यानी जो आपकी वेबसाइट पर डिमांड्स होती हैं उसके मुताबिक आप प्लगइन्स की इंस्टॉलेशन करते हैं, वो सारी कंट्रोलिंग यहीं पे होती है। फिर यूज़र्स, आपकी वेबसाइट पे आप जितना चाहें उनको क्रिएट कर सकते हैं, उनको राइट्स दे सकते हैं, आप अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं। तो यूज़र के सेक्शन में आप तमाम यूज़र्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एक वेबसाइट के डिफरेंट यूज़र्स हो सकते हैं, वो तमाम यहीं पे क्रिएट भी होते हैं और यहीं पे उनको मैनेज भी किया जाता है और डिलीशन भी की जाती है उनकी, और उनको इवन राइट्स भी असाइन किए जाते हैं, यानी कि रोल्स। और टूल्स में जो है आप टूल्स बेसिकली ये बहुत एक ज़बरदस्त फीचर है वर्डप्रेस के अंदर। आप अपनी कंप्लीट वेबसाइट के जो है बैकअप बनाने के लिए एक्सपोर्ट की ऑप्शन को यूज़ करते हैं। आपकी वेबसाइट पर जो डेटा है, आपको अगर डर लगता है कोई हैक कर लेगा या क्रैश होने का ख़तरा है या और कोई वजूहत हैं, तो आप इसको कंप्लीट वेबसाइट का बैकअप एक्सपोर्ट की जानेब अपने लोकल कंप्यूटर में इसको सेव कर सकते हैं। अगेन, आपने इंपोर्ट करना हो तो अपने कंप्यूटर से इंपोर्ट भी कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का बैकअप। और अवेलेबल टूल्स जो हैं, आपको अवेलेबल बताता है आपके पास कौन कौन से टूल्स जो वर्डप्रेस के अंदर मुहैया हैं, वो आप इस सेक्शन में देख सकते हैं। और सेटिंग्स, जैसा कि सेटिंग्स में आप देख सकते हैं, आप जनरली इस वेबसाइट में क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं, राइटिंग सेक्शन, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमानेंस, ये सारी चीज़ें आपको आहिस्ता आहिस्ता फर्दर लेक्चर्स में कराई जाएंगी। और ये तो था एक शॉर्ट ओवरव्यू, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको कम्प्लीटली डीपली हर एक चीज़ के बारे में बताया जाएगा। और आपको ये भी बताया जाएगा कि आप जो है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं न्यू एक शॉर्टकट ऑप्शन है, अगर आप डायरेक्टली चाहते हैं कि मैं न्यू पोस्ट क्रिएट करूं, मीडिया कोई फाइल अपलोड करूं या पेज क्रिएट करूं या यूज़र क्रिएट करूं, तो यहां से शॉर्टकट भी आपको इसमें प्रोवाइड किए हैं। आप अपने बैकहेंड से लॉग आउट होना चाहते हैं और एडिट प्रोफाइल करना चाहते हैं, तो यहां से कंट्रोल्स आपको मुहैया है। फिर आप अपनी वेबसाइट को विजिट करना चाहते हैं तो इसके ऊपर माउस ड्रैग करेंगे और आप विजिट साइट करेंगे, अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे। लेकिन आप स्टिल बैकहेंड पे जो है लॉगिन है, आपको इस लॉगिन मेन्यू से पता चल रहा होगा कि आप स्टिल जो है वेबसाइट में लॉग इन। तो अभी फर्दर लेक्चर में आपको फर्दर डिटेल के साथ बताया जाएगा इन ऑप्शंस के बारे में। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर लेक्चर्स। एंड कोई भी आपको सॉल्यूशन चाहिए हो या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।